वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है क्या, पहले सूच रही की जाती है ऐसे लोगों इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। हमारे सहयोगी मुकेश इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के एक शूटर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल करीब एक महीने पहले दिल्ली में जीके वन में नादिर शाह की हत्या हुई थी। हत्या के उसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस ने मिलकर एक मुख्य शूटर योगेश उर्फ राजू को एक इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी है। उस शूटर ने मीडिया के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में कहा कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छे आदमी नहीं थे, उन पर मकोका लगा हुआ था, उनके दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। उसका यह भी दावा है कि जो बीच में आएगा तो उसका यही हाल होगा। उसका कहना है कि वो भाई के लिए यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के लिए बिना पैसों के काम करता है, ये भी उसने दावा किया है। उसका कहना है कि जेल से आदेश आता है, टारगेट के बारे में मालूम होता है और वो हत्याकांड को जो है अंजाम दे देते हैं, और सारी जानकारियां जो हैं वो मोबाइल पर होती हैं, गूगल पर होती हैं या सोशल मीडिया ऐप पर होती हैं, ये उसका दावा है। तो ये सारी बातें उसने मीडिया के सामने कही, और ख़ास तौर से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी अच्छे आदमी नहीं थे और वो बीच में आ रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या हुई है। योगेश उर्फ राजू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक मुठभेड़ हुई थी मथुरा में, मथुरा रिफाइनरी के पास एक मुठभेड़ हुई थी और ये मुठभेड़ जो है गुरुवार सुबह हुई थी, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है नादिर शाह हत्याकांड में, लेकिन वो क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में वाकई बहुत कुछ जानता है, उसी कोई जानकारी है, इसको लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मीडिया के सामने कई अहम खुलासे किए, दावे किए, उसके दावों में कितना दम है इसको लेकर जांच चल रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।